19 वर्ष की इन्होंने मैडम के साथ था भैया अकेले आए अभी आनंद के बारे में बताऊं। आनंद हमारे उमरेण के पास शुक्र गांव है और काफी अच्छा काम करते हैं, काफी अच्छा सीख रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में आप इनको एक मोटिवेटर स्पीकर के रूप में देखेंगे, जानेंगे बहुत बड़ा ये एक नाम होगा आने वाले। कहाँ से आए हैं, कितना कुछ किया है और ये खुद ही बताएंगे आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज दोबारा हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम हर 3 महीने में ये एक एनवायरनमेंट है, जो फैमिली एनवायरनमेंट है हम सभी का, कि आपको मिलता रहे। तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों के लिए आप इतना कर रहे हैं। और बाकी सर के बारे में कहना चाहूँगा कि वो मंजर याद आता है जब मैं ट्रैफिक में यहाँ पे अलवर ऑफिस में आया था। नॉलेज काफ़ी अच्छी थी पहले से, क्योंकि हमारे वहाँ पे गुरुजी थे प्रेम कुमार गिरी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया, मोटिवेट किया, काम के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी। तो मुझे वहाँ से लगा कि मुझे अब मेरे अलवर में जाके या मेरे गांव में जाके मुझे वहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे थे मन में लालच आ गया था कि वो सारी एक्टिविटी अगर मैं अलवर में जाके करूँगा तो बहुत अच्छा काम कर पाऊँगा। मुझे उस लेवल का फिर ग्रुप ही चाहिए था कि भाई एक होता है ना कि जहाँ हम लोग जिस कल्चर में रह रहे हैं, हम उस कल्चर के हिसाब से अपने को एक मेंटर चाहिए जो अपने को आगे बढ़ाने में हर जगह अपने को मदद करे। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि कौन सही रहेगा, फिर सर की फ़ोटो दिखी मेरे पास में, जैसे फ़ोटो दिखी तो मैंने देखा रघुवीर सिंह यादव कौन है। मैंने जाके अंदर इस तरह से पूछा कि भाई रघुवीर सिंह यादव जी ये MDRT एजेंट हैं कौन है। मेरी एक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोले भार के एजेंट है, उन्होंने बोला भार के एजेंट है। मैं बाहर के कहाँ के हैं, कि गंगानगर के। अच्छी का बहुत बढ़िया, क्यों मैं कुछ की जानकारी ले रहा था इसे मिलना था। मैं भी एक्चुअली जयपुर से हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करवाना है, तो मुझे देखना है कोई ऐसा CLI या डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे मिल जाए तो जिससे मुझे अलॉट होना है। तो उसके जैसे ही ये सब सुने दुकान खड़े हो गई ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्टिविटी हमारी देखी हुई थी यहाँ पे, हम लोगों ने कैंपिंग वगैरह किया था, तो बोले चलो ठीक है आप हमारी टीम के साथ आओ मिल के काम करते हैं। और जब सब सर की फोटो देख ली और साथ में हमने एक दूसरे वहाँ पे राजेश के भी एडवाइजर हैं, वो भी MDRT है, उनसे भी मिला था मैं जाकर। पर एक होता है ना कि जो हम लोग फिजिकली किसी से मिलते हैं तो मिलने के एक तरीके का अपने पता चल जाता है सामने वाले का अनुभव कैसा है, उसका काम कैसा होगा। तो दूसरे दिन जब मैं आया, दूसरे तीसरे दिन, तो सर से मेरी हल्की सी मुलाकात हुई। एक्चुअली मैंने पीछे से देख के पहचान लिया था सर, होता है ना एक तो भाई देख के सर को देख के एक दूसरे को पहचानते हैं। मैंने सर को पीछे से देख के पहचान लिया कि रघुवीर सर यही है। मैं सर के पास में गया और दूर से सलाम किया, सर ने बहुत अच्छे से मुझे ग्रीट किया, फिर मैंने मानस कर लिया कि मुझे सर के साथ जाना। सर से पूछा भी कि सर आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पे है, तो सर ने बोला कि भाई शालीमार है, अच्छी बात है बहुत बढ़िया है। वो फिर धीरे धीरे होता गया, मगर मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था तो मैं उन्हीं डेवलपमेंट ऑफिसर के पास में गया, उनसे पूछा कि सर का नंबर दो। तो भाई नंबर तो नहीं दिया उन्होंने, बोला उनके साथ क्या करेगा वो तो दूर के एजेंट है। मैं कहा सर मुझे 6 साल से रेगुलर MDRT कर रहे हैं, उनकी कहाँ से वो हो जाता है, कोई बड़े बड़े संपर्क है। ठीक है जब गंगानगर का आदमी यहाँ आके कर रहा है MDRT तो हम अलवर की रह के नहीं करेंगे तो क्या खास करेंगे।
फिर मानस चेंज कर लिया और फिर सच से मुलाकात किया, बहुत अच्छा बंदा से ग्रीट किया। और दूसरी एक चीज आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि अपने ब्रांच में जितने भी CLI ने डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, पहले ही हम लोग अगर किसी से काम करने के लिए जाते हैं, भाई पॉलिसी लेने जाते हैं, कह देते हैं भैया 20% फिक्स कर दो कस्टमर को, कि अपना जो रिबेट है ना वो 20% फिक्स कर दो, 15% फिक्स कर दो, लोग 30-30, 40-40, 50-50% फिक्स कर देते हैं। मगर मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से जो दोनों मेंटर मिले, प्रेम सर मिले और रघुवीर सर मिले, इनके पास ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमारी जेब में जाता है, हम लोग कोई छूट नहीं देते हैं, कोई रिबेट नहीं देते हैं, तो जो भी पैसा हमारे आता है वो हमारी जेब में जाता है, जिससे हमारे परिवार के काफी सारे खर्चे होते हैं जिनमें हम लोगों को मदद मिलती है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत सारा हमको योगदान दिया है और आगे हम भी बहुत बड़ा थैंक यू। बिल्कुल सही है आनंद ने जो बताया, बिल्कुल सही है, ऐसा ही था। आनंद जरा मेरे को पीछे से देख के उसके बाद मेरे को बोला सर बैठ गया, सर आ गई मेरे गांधी जी नहीं, वो ध्यान आ रहा है मेरे को, पर ठीक है। रियल में थैंक गॉड कि मेरे को ऐसे सारे के सारे चीज़ें मिले हैं, मैं खुश नसीब हूँ।